हम लोग होली तो खेल लेते हैं, लेकिन रंग छुड़ाने के बाद हमारी स्किन खुरदरी और बेजान सी लगने लगती है। अगर ये फेस पैक का नुस्खा आप अपना लें तो आपका फेस क्लीन और स्मूथ हो जाएगा और एक अलग सा ग्लो भी दिखेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लूंगी। एलोवेरा जेल जो आसानी से कॉस्मेटिक की शॉप पे मिल जाएगा और जो बहुत ही फायदेमंद होता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। कोई भी स्किन की बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले एक्ने, पिंपल, किसी प्रकार का दाग धब्बा, सब में एलोवेरा जेल बहुत ही फायदा करता है। अब मैं ले रही हूँ बेसन आधा चम्मच। बेसन हमारी स्किन में हुई टैनिंग को हटाता है। अब मैं ले रही हूँ हल्का सा हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा मैं इसको ले रही हूँ। ये एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही थोड़ा सा यूज करेंगे। अब मैं इसमें ले रही हूँ नेचुरल ऑरेंज का जूस, जो ले रही हूँ आधा चम्मच। अगर आपके पास ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह नींबू ले सकते हैं यानी लेमन जूस, वो भी 2 से 4 बूंद। मैंने इसमें ऑरेंज जूस डाल रखा है इसलिए लेमन जूस नहीं डालूंगी। संतरा या नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी, फेस पैक तैयार कर लूंगी। इन सब में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारी स्किन पे एक अलग सा ग्लो बना रहता है। अब इसको मैं फिंगर से इजी से अपने फेस पे लगा लूंगी। इस फेस पैक को फेस और गले को कवर करते हुए लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद जब सूख जाए तो ताजे पानी से इसको वॉश करें यानी धुल लें। फिर हल्का सा कोई कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं और अपनी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो पाएं। इसी के साथ मैं ऋचा गुप्ता घर की मैजिक की तरफ से आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।